अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपकी कीमती वक्त में से एक दो मिनट लेना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त है तो आप मुझे दे सकते हो सर? सर आपका नाम बता सकते हो? मोहम्मद रियास। रियासत गौरी। ओके गुड नेम सर। सर पेशेंट से आपका रिलेशन क्या है सर? ओके क्या हुआ था सर पेशेंट को? ओके जी जी ओके जी जी आप कहाँ से आए सर? किशनबाग से आया हूँ। किशनबाग से आया सर। ओके तो हॉस्पिटल में मतलब आप मुतमईन है सर? डॉक्टर का ट्रीटमेंट वगैरह या नर्सेस का बिहेवियर? नर्सेस का सबसे मुतमईन है। मैडम का तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम का। मैडम का नाम सर? अच्छा नवीद सिराज मैम। ओके अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, कोई ये नहीं है। और ट्रीटमेंट के हिसाब में तो नाम नहीं रख सकते कोई चीज़। अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत ही सलाहियत से काम लेते हैं। बहुत सलाहियत से काम लेते हैं। सिस्टम भी जो आए थे बोल के बता के टाइम टू टाइम सर। आप ये हॉस्पिटल विजिट होने से पहले कहीं दूसरे हॉस्पिटल विजिट हुए थे क्या? अल्फा हॉस्पिटल आने से पहले? 8 साल से। अच्छा अल्फा हॉस्पिटल आप 8 साल से आते हो? ओके माशाल्लाह। अल्फा में पारोखी में जाती थी। अच्छा 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 पारोखी में फोटो ही रहते ना मैडम। ओके क्रिटिकल केस था उनका तो इधर ले। ओके क्रिटिकल केस मीन्स बहुत ज्यादा तबीयत सीरियस हो गई थी क्या मैम की? ओके मैडम खुद यहाँ आई। से पहले जो सर मैडम बुला ली। ओके उसके बाद भी जो सर ट्रीटमेंट शुरू करे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा माँ जो सर दोनों की सेहतमंद है। चलो कांग्रेचुलेशन सर। वही चलिए सर ये हॉस्पिटल में आपके फेवरेट डॉक्टर कौन रहे हैं? मैडम को जो लाइक करते हैं वो सारे पेशेंट को भी जो वही हिसाब से लेते हैं। मैडम हाथ पे शफा हुई है 10 साल से आ रहे हैं सर। हम लोग तो 10 ईयर से आ रहे हैं मैडम के पास। 2006 में जो ना हमारे सिस्टर को लेके आए थे वो यहीं अल्फा में लेके आए थे। जी जी। फिर उसके बाद में हमारे रिलेशन में जितने भी लोग हैं सब गए। हमारे मम्मी भी लास्ट रमजान में बकरीद में प्रॉब्लम हुआ तो यहीं आए उनको एडमिट करे थे। उसके भी तीसरे पेशेंट से आपका रिलेशन? ओके ओके आपका गुड नेम सर? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद अली है। ओके जी मेरे वाइफ का ही है। और मेरा फर्स्ट लड़का जो है ना 2010 में यही हुआ हॉस्पिटल में। जी सर। सेकंड जो है ना 2012 में लड़की हुई। ओके अक्टूबर मैडम जब हज को गए थे जी, हाँ। तो तब मेरी सेकंड लड़की हुई थी जी। मतलब फर्स्ट लड़का सेकंड लड़की अभी थर्ड लड़की। ओके कांग्रेचुलेशन सर। तो यानी मतलब दो फारूखी में हुए मेरे और ये अल्फा में हुए। ओके मेरे सिस्टर के जो है ना तीनों लड़के भी यहीं हुए यहीं पर ही हुए। तो तकरीबन आप लोग अल्फा हॉस्पिटल में कब से आते हैं सर? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से 6-7 से हम लोग रेगुलर आ रहे हैं। ओके तो आपको यहाँ पर का ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन मतलब ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं मतलब नवीद मैम ना? हाँ नवीद सिराज मैडम जो है पूरा हम लोग सेटिस्फाई है उनसे। जी जी ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं मतलब हर वो चीज एक्सप्लेन करके बताते हैं इन्हें इजी समझ में आ जाता है कि मैडम एक्सप्लेन कर दे। जी जी तो हमेशा कोऑर्डिनेट रहा मैम का आपका? इफ इन केस कभी कुछ ज्यादा अमाउंट वगैरह हुआ तो मैम कुछ कंसेशन करते हैं? अभी इसमें भी जो है ना बिल अमाउंट था मैडम ने इसमें जो है ना 3-5 माइनस किया मैम। जी जी ओके बिल था ओके 3-5 माइनस किया। जी जी ओके तो सेटिस्फाई है इसलिए हम मैडम के पास ही आते रेगुलर 10 ईयर से। तो पिछले हमारे बराबर वीडियो में जो है ना फारूकी हॉस्पिटल और ये मतलब मैडम का ही है ना वो भी फारूकी भी जी। तो हम लोग मतलब यही आते हैं जी। रिलेशन में जितने भी है ओके माशाल्लाह सर। सर ऐसा ना हो इफ इन केस अगर आपकी फैमिली रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह में किसी का हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे अल्फा हॉस्पिटल के बारे में? हम तो यही बोलते हैं मैडम का ट्रीटमेंट सही है अल्फा हॉस्पिटल। हमारी ये मतलब इनके बहन है मेरे मिसेस के बड़ी बहन है अब इनके डॉटर है उनका भी मैडम के हाथ पे ट्रीटमेंट चल रहा है अभी।
अभी फिर कल आना है उनको जी 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 तो जो है ना मतलब हम लोग तो सेटिस्फाई है मेडल के ट्रीटमेंट से जी बाहर भी क्या है दूसरे हॉस्पिटल्स भी है लेकिन हम लोग जो वो जाना अब यहाँ पे आने से क्या है मालूम टोटल फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक हर चीज की फैसिलिटीज है जैसे स्कैनिंग है ब्लड टेस्टिंग है स्कैनिंग वगैरह जो भी है मतलब हर वो चीज यहाँ पे अवेलेबल है दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या है मालूम बोला स्कैनिंग फैसिलिटीज नहीं रहती अगर स्कैनिंग फैसिलिटीज अगर है तो ब्लड टेस्ट का नहीं रहता मतलब लैब का वो नहीं रहता तो ये हॉस्पिटल में क्या है टोटल हर वो चीज अवेलेबल है माशाल्लाह सर थैंक यू सर आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सर हैव अ नाइस डे अल्लाह हाफिज़